हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और ये शाम का टाइम हो रहा है, ये बच्चे बस मस्ती कर रहे थे ढोर सा। तो मैं इसमें गाने तो आपको नहीं सुना सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये लोग कर रहे थे तो आपस में ही कर रहे थे, मैं थी नहीं उस टाइम पे बिल्कुल, मैं किचन में थी। तो बेटा कर रहा था, कभी इसकी बना रहा, कभी उसकी बना रहा, अपनी बना रहा, तो हिला भी रहे थे। तो आप माइंड मत करना इस चीज़ के लिए, बस थोड़ा ये लोग सोच रहे थे हमें कोई नहीं देख रहा। पर जो इन्होंने रिकॉर्ड किया था वो मैंने डाल दिया था, इनको पता भी नहीं है। और बेटा को लगा कि मैं करूँगा तो मम्मी देखेंगी भी नहीं, ये पीछे से ऐसी मस्ती करते रहते हैं। और जो आप इसको तो जानते होंगे, अंशी को, इसका नाम अंशी है, छोटी सी जो लड़की है, ये मेरी वीडियो में तो बहुत मिलती है आपको, हर उसमें मिलती है, हर उसमें डांस करती है। इतना अच्छा डांस करती है ना, ये ना शर्माती है ना कुछ, बहुत अच्छा डांस करती है। देखो बेटा भी डांस कर रहा है, मुझे देख रहा है बार बार उधर से, कहीं मम्मी आ ना जाए। मतलब शर्माते बहुत है, ये नहीं कि कर ले सामने से, बहुत ज्यादा करना। देखो बार बस पाखी ने कुछ किया तो गुस्सा होकर चला गया, ये चलता रहता है दिन का बस। और देखो गुस्सा पूरी नहीं अगर मैं करूँ तो पूरी मस्ती चलती रहती है इन सब की, और ये पाखी साथ में बोल पड़ी तो बस। और ये अगले दिन हमारा ये टीवी वाला ठीक करने के लिए आए थे, हमारा एलईडी खराब हो गया था, इसकी कोई लाइट वगैरह खराब हो गई थी, तो ये पूरा खोल दिया था उन्होंने टीवी। मैं आपको दिखा रही हूँ, वो जो उसका जो प्लेन होता है, कांच होता है, उसको साफ कर रहे हैं। और जो इसकी जो होती है शीट होती है वो है, इसकी नीचे लाइटें थी, वो लाइटें लगा चुके थे। तो मुझे बाद में ध्यान आया, अरे मैं रिकॉर्ड कर लेती उस चीज़ का भी। तो बस उसको वो करके उसको लास्ट में लगा रहे थे, तो हमारा टीवी ख़राब हो गया था। तो फिर इसको हमने ठीक कराया था, तो उसकी लाइट वाइट थी एलईडी की, वैसे चल तो गए हैं लेकिन बहुत ही बेकार निकलते हैं ये चीज़। हमारा हर साल एक बार ख़राब ज़रूर हो जाता है, और फालतू में इतना महंगा इसका खर्चा बैठता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए बेटर जो पहले के ज़माने के टीवी की थे, बहुत सॉलिड होते थे, वो बहुत अच्छे होते थे और काफ़ी लॉन्ग टाइम चलते थे। एलईडी आजकल की जो जो भी चीज़ें चलती हैं कुछ भी ज़्यादा नहीं चलती हैं, बहुत मतलब सही नहीं निकलती है बिल्कुल भी। पहले की चीज़ें मजबूत होती थी, इस अब की चीज़ें मजबूत नहीं होती हैं। तो बस इन्होंने टीवी हमारा ठीक कर दिया है, तो हमारा कई दिन से टीवी बंद था, तो तभी बच्चे मस्ती करते रहते थे सॉन्ग में या उस चीज़ों में, तो अपना टाइम पास के लिए थोड़ा सा। और तो चलिए फिर हम अगले दिन साईं बाबा का कीर्तन था, फिर शाम को वहाँ चले गए थे। तो फिर उसके बाद में हम मार्केट भी आए थे, तो फिर हमने सोचा चलो वहाँ भी चलते हैं, तो पास में ही था, तो हम तीनों ही आए थे, ये नहीं आए थे, घर पे ही थे, तो हम लोग यहीं आए हैं थोड़ा। फिर हमने सोचा चलो माथा भी टेक लेते हैं, साईं बाबा का कीर्तन चल रहा है, तो बस यहीं पे हम स्लीपर्स वगैरह हमने लोगों ने यहीं उतार दी थी, हमने अंदर भी नहीं दिया जब तक स्टार्ट हुआ ही था। तो हम थोड़ा सा टेंट करके चले गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो बिल्कुल ओपन में था तो बैठा तो जा ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो इसीलिए मैं बच्चों को बस थोड़ा सा दिखा के और हल्का सा रिकॉर्ड करके और मैं फिर चली गई थी। यूँ तो खैर भंडारा भी था वहाँ पर हम लोगों ने भंडारा नहीं किया था, फिर हम घर चले गए थे क्योंकि ये घर पे थे, तो बस इस वजह से थोड़ा शॉपिंग करने के लिए आई थी बच्चों के साथ में तो करके। और फिर माँ ये मैं यहाँ माथा टेक के चले गए, मैं सोचा थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ का भी, यहाँ पे होता रहता है कभी, मैं आपको आप देखते होंगे मेरे वीडियोज़ में, कभी खाटू श्याम जी का होता है, कभी साई बाबा का होता है, कभी किसी का होता है, यहाँ चलता रहता है कभी कभी, कुछ ना कुछ यहाँ मतलब होता ही रहता है। तो इस वजह से बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें, कभी कभी यहाँ चलती रहती है तो मन लगा रहता है। तो ये साई बाबा का है यहाँ पे, तो बार ये देखो कितना प्यारा सजा रखा है इन्होंने ऊपर से सारा, बहुत प्यारा लग रहा था ये सारा, पता नहीं किस चीज़ से था, प्लास्टिक के उस चीज़ों से था, ये पन्नी वगैरह से, तो मतलब फ्लावर भी थे साथ में शायद इसमें, मैं मतलब बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने ये सब रिकॉर्ड किया था, मतलब ये देखो कितना प्यारा सीन है यहाँ पे, कितना अच्छा लगा हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा था। तो बस ओम साईं श्री साईं जय जय साईं 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 ओम साईं श्री साईं जय जय सा
मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? और आज मैं बना रही हूँ सुबह सुबह पकौड़ियाँ। छुट्टी का दिन है तो मैंने सोचा पकौड़ी बना लेते हैं, और बनाऊंगी कढ़ी। तो कढ़ी तो आप लोगों के साथ मैंने पहले ही ऑलरेडी शेयर करी हुई है, तो बस ऐसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ पकौड़ी कैसी बनी है। ये देखो पकौड़ी मैंने बना ली है, आप लोग भी खाइए। और दूसरी बन रही है अभी, ये इसमें डाली हुई मैंने, और ये चाय बन गई है। तो आज के दिन बस ऐसे ही चल रहा है। और ये मैंने मट्ठा मंगाई थी किसी से, तो अभी इसकी कढ़ी बनानी है मुझे। मसाला तैयार कर लिया है इसमें, ये मसाला मैंने पीस लिया है, मिर्च और प्याज वगैरह का, अदरक का। तो बस यही चल रहा है अभी, तैयारी प्रिपरेशन हो रही है। आप लोगों से बस पहले बात नहीं कर पाती, फ्लावर शॉट दिखाती हूँ। रात बस वहां पे गए थे, साईं बाबा का कीर्तन हो रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। थोड़ा बहुत वहां का पहुँचा तो नहीं गया, तो आप बताना कैसा लगा आपको कमेंट करके। तो चलिए मैं पकौड़ी बनाती हूँ और खाते हैं गरम गरम पकौड़ी चाय के साथ में, उसके बाद हम कढ़ी बनाएंगे। फिर मिलते हैं आपसे। खदकेगी अभी इसको, मैं कम से कम आधा पौन घंटा खदकाऊंगी कढ़ी को, तभी टेस्टी बनती है कढ़ी। और ये पकौड़िया बना दी मैंने उसके लिए, कढ़ी में डालने के लिए। आप लोगों को बहुत शोर हो रहा होगा क्योंकि बिल्डिंग में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसकी वजह से ठोक पीट ये चीजें चल रही है। और आज सुबह थोड़ा लेट उठे थे, छुट्टी थी। हाँ ये वाला, तो बस अभी मैं चावल की और तैयारी कर लूँ। चावल मुझे कढ़ी और चावल बनाना है, वही मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ उस चीज की। जिस बार मैं चावल लेके आई ना, ये बहुत सही चावल निकले हैं, मेरे को बहुत सही लगे हैं मार्केट वाले चावल। तो चलिए मैं कढ़ी बना लेती हूँ और ये चावल रख देती हूँ बनने के लिए, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आज पता है छुट्टी वाला दिन ऐसे निकल जाता है, पता नहीं चलता। और अभी तक सिर्फ 12 बज चुके हैं, अभी नाश्ता ही हुआ है, अभी लंच बना रही हूँ, उसमें टाइम लगेगा। मुझे भी कपड़ों पे प्रेस करनी है, और यहाँ पे संडे मार्केट लगती है, शाम को सब्जी भी लेके आनी है, मतलब बहुत काम हो जाता है छुट्टी वाले दिन। छुट्टी भी वैसे भी हो जाता है काम तो, पर ये अभी ये गए सामान लेने के लिए, जो राशन का सामान जो आता है वो लेने के लिए। मैंने आपको कभी नहीं दिखाया ना कि राशन में हम क्या क्या सामान मंगाते हैं। चलिए आज मैं देखती हूँ, थोड़ा सा हो गया तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं प्रॉपर इसमें पूरा सामान तो नहीं आया क्योंकि जो जो सामान खत्म हो रहा था मैंने वो मंगाया आज, अदरवाइज मैं महीने में इकट्ठा एक बार मंगा लेती हूँ, वो सही रहता है वैसे। फिर या कुछ जरूरत पड़ती है ना, एकदम से रखा रहता है सामान, फटाफट यूज कर लेते, वरना ही रहता है अरे अभी ये रह गया, अभी लाना है, अभी लाना है, वरना बस वो रहता है। आज पता नहीं ना पकौड़ी बनाई है, पता नहीं बेसन क्या खराब था क्या था मालूम नहीं, पर उसमें ना पकौड़ी पे सही नहीं चढ़ नहीं पाया,
ये वाली पकौड़ी तो सही बनी है, देखो ये वाली सही बनी है, लेकिन वो पकौड़ी बनाई ना सब अलग छुड़ा छुड़ा हो गया उसका, मतलब उस पर चढ़ नहीं पाया बेसन, समझ नहीं आया कैसे। तो ये भी पकौड़ियाँ रेडी हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ। जब ये उबल जाएगा ना इसका कढ़ी का ये, तब मैं इसको डाल दूंगी। और आप लोगों को अगर मुझे कढ़ी की रेसिपी देखनी है तो मेरी रेसिपी वाले उस पर जाना, कम्युनिटी उस पर प्ले लिस्ट में रेसिपी की, उसमें है कढ़ी की रेसिपी, मेरी जो रेसिपी है। मैं सोचा बार बार क्या बतानी है कढ़ी की, क्योंकि एक बार बता देते फिर सब लोग कहते ना बार बार बता रहे हो। इससे अगर आपको दोबारा मेरे को रेसिपी पता करना है कढ़ी की मैं कैसे बनाती हूँ तो कमेंट्स करना, तो आप जितने सबसे ज्यादा कमेंट देंगे तो मैं दोबारा से रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और वीडियो को यार शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो। और हाँ, आप लोगों से एक चीज और बतानी थी, मैं भूल जाती हूँ जब मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे जब भी याद आता है। मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी है तो प्रियंका सिंह ब्लॉग्स के नाम से, आपको जिसको फॉलो करना है वो कर सकते हैं, और कम से कम 10 के तक तो पहुंचा दो, उस पर फॉलोअर्स बना दो, ठीक है। और उस पर मैं ना अपनी पिक्स वगैरह वगैरह ये सब डालती रहती हूँ, जो भी अपडेट होता है वो भी बता देती हूँ, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और लाइक शेयर जरूर करना, न्यू और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये तो कोई कहने की बात नहीं। और स्लिप पे लाइक जरूर टेक देना सबके सब, ठीक है। और गाने चल रहे हैं, मैं कॉपीराइट आ जाएगा अगर मैं बोलती रही तो, गाने पीछे चल रहे हैं किसी के यहाँ पे, छुट्टियों में सब लोग एंजॉय करते ना तो वही चीज हो रही है। तो चलिए मैं तो बात करती रहूंगी और गाने के बाद चलती रहेगी, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी मैं चलो चावल चढ़ा लेती हूँ, ठीक है।
था, मेरा नेट इतना स्लो था तो वीडियो बिल्कुल भी नहीं डल पाई थी, तो मैं सोचा इतना मैं प्रेस करूँ, इतने मैं अपलोडिंग पे लगा रही थी तो अपलोड हो जाएगी, इतने मेरी प्रेस भी हो जाएगी कुछ कपड़ों पे, तो 2-in-1 काम हो जाएगा। बनाई है मैंने तड़का जो बनाया था वो भी डाल दिया है। आप सोचे थे सारी कढ़ी कौन खाएगा, हम लोग कढ़ी बहुत खाते हैं, हमें कढ़ी बहुत पसंद है, अगले दिन तक भी चलती रहे ना तो भी हम लोग खाते हैं। और ये मेरे ये चावल भी बन गए हैं पूरे, ये बन चुके हैं। तो चलिए दिन का लंच तो मेरा रेडी हो चुका है, हमारी रोटी कौन नहीं खाएगा क्योंकि सबने पकौड़ी खाई, वैसे हैवी हो गया, वैसे बस आज हैवी हो गया सब चीजें, और साथ में कढ़ी तो बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में, तो खा के पता चलेगी कैसी बनी है। वैसे तो कढ़ी कैसी भी बना लो अच्छी लगती है। तो चलिए अभी किचन का काम मेरा फिनिश हो गया, जब लोग खाना खाएंगे तभी मैं करूंगी। और मैं थोड़ा अभी प्रेस से उठ के आई थी, मैं प्रेस से उठ के आई तब कढ़ी देखने आई थी, और मेरी वीडियो भी अपलोड हो गई है। अभी प्रेस के कपड़े थोड़े से, देखो आधे मैंने प्रेस कर दिए हैं ये वाले, और आधे वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो मैं इसमें भी अपना टाइटल वगैरह ये डाल लेती हूँ, और बस फिर टाइटल डाल के ये मैं अपलोड पे लगा दूंगी। आप लोग देखना ये वाली वीडियो, पता नहीं देखती कौन सी डेट को जाएगी, मैंने डेट नहीं देखा क्योंकि मैं एक दो दिन के बाद डालती हूँ ना, क्योंकि वही है मुझे भी थोड़ा सा मिल जाता है टाइम डालने का बनाने का, और फिर घर के काम करके मैं भी थक जाती हूँ तो फिर मन नहीं होता कुछ करने का, इसलिए मेरा थोड़ा मैं एक रूटीन में रखती हूँ कि ये दो दिन बाद मेरे को वीडियो डालनी है तो एक दिन बनाने का फिर एडिट करने का, तो उस हिसाब से मैं वीडियो डाल लेती हूँ, देखते हैं। और चलिए तो मैं इस वीडियो को कर लेती हूँ, और बस ये ब्लॉग मैं यही एंड करूंगी क्योंकि बहुत लंबा खिंच जाएगा। और आपको कैसा लगा थोड़ा सा भी लाइक कर देना अगर थोड़ा सा भी पसंद हो तो, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, जो भी मेरी इंस्टा आईडी यही है प्रियंका सिंह ब्लॉग्स के नाम पे आप लोग फॉलो करना, और मेरे 10K तक जरूर पहुंचाना। आप लोग जो आप सब चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर जरूर कीजिए जो भी थोड़ी आपको अच्छी वीडियो लगती है, कुछ काम की लगती है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे, देन बाय।